पकड़ेंगे भी ना, बिल्कुल उड़ जाएंगे। तो चलो मारो तो। ये अरे अरे भाई मत जाओ अंदर, वो रहने दो, अरे बहुत खतरनाक हो रही है रात। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। तो गाइस, हरू भाई ने ब्लॉग स्टार्ट किया है, नर्वस हो रहे थे थोड़े से। आज ऐसा ना, ब्लॉग जो मैं ही शूट करूंगा पूरा। हाँ। तो कहते हैं कि बोलता नहीं, इसलिए आज पूरा ब्लॉग मैं खुद शूट करूंगा। हाँ। आज जा रहे हैं हम कहीं घूमने के लिए, हमें खुद पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या करेंगे, काफी मजा करेंगे हम। जो आएगा पूरा लाइव पूरा देखना ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है वो रात का ब्लॉग रहेगा और काफी मजा आएगा। और यहाँ पे आज एक त्योहार है ओनम, शायद यहाँ पे होता खाली ओनम, तो सभी की छुट्टी है यहाँ। वो मौसम कितना बेहतरीन हो रहा है, सभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। शाम के टाइम पे की अच्छी फीलिंग आती है, घूमने का मजा शाम के टाइम पे होता है, क्योंकि कुछ गर्मी नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। ये क्या इंतजाम हुआ हुआ है, पहले तो नहीं था ये। तो गाइज, हमें जिम के लिए ट्रैक लेने थे, मतलब लोअर, तो हमने यहाँ पे रुक गए हैं। ये हमारा शॉप मालिक ऐसा है, वो करो ना स्टाइल करो ना। शाहरुख खान का स्टाइल करो। ये शाहरुख कुछ नहीं लेगा बिल्कुल भी, ये ऐसे करते हैं बस, खाली मतलब इन्हें पानी हो। पूरा बना लो ये चेंज करने जा रहे हैं अभी। गाइस, इन्होंने हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी ले ली है और फॉलो भी कर दिया है। निकल गाओ जल्दी आजिम भाई, चेक हो गया तो तुम्हारा, पता नहीं नहा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं गाइस इसमें। गाइस काफ़ी बड़ी शॉप है ये, आई यहाँ पे टाउन में। तो गाइस देख सकते हैं मैं बड़ी सूट वूट में आया हूँ, जैसे शादी में जा रहा हूँ कहीं, मगर आज काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। इसी से गंदा नहीं, गंदा बहुत हो रहा है ये, मेरे डर लग रहा है। ये स्टीकर लगा बड़ा भारी, पता नहीं कितना महंगा होगा ये। अरे ना स्टीकर, अल्लाह खैर करे। वो भैया ने मिठाई खिलाई, क्या है उसका नाम, क्या है? गाइस ये वाला लिंक सोच रहा हूँ मैं, जिम के लिए हमारे पास लोवर नहीं थे, तो वहाँ पे जो हम रहते हैं वहाँ पे महंगे मिलते हैं, ये अच्छा है, यहाँ पे सस्ता भी है। देखो कितने का प्राइस होगा, देखता हूँ। तो हमारे हरू भाई को ये सेट पसंद आ गई, बड़ी शानदार लग रही है, बड़ी ही अमेजिंग। तो गाइस अच्छे कपड़े थोड़े महंगे तो होते हैं, मगर काफ़ी अच्छे होते हैं। अब लोकल कपड़े कम पैसों के खरीद तो लो, मगर जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं वो, और अच्छे नहीं लगते यार। चलते हैं अब आगे कहीं ना कहीं और इन्जॉय करते हैं थोड़ा सा। गाइस ये एएमसी स्टैंड का चश्मा मुझे अच्छे नहीं लग रहा है, उसे पता नहीं कैसा अच्छा लग रहा है, उसका मुँह ही ऐसी चश्मे की तरह, तो तभी अच्छा लगता है उसे। तो गाइस रात हो चुकी है काफ़ी, और हम जा रहे हैं रात में बीच पे। राजीव भाई ऑयल डाल के नहीं आए, तो यहाँ इन्होंने पैकेट लिया, ये पैकेट डाल दिया, मतलब रूम लो ये डल दिया, तेल दाढ़ी वाड़ी पे सबका लगा दिया। अरे भाई खाने लगे गोलगप्पे, पता नहीं कौन से तरीके से। तो गाइस गोलगप्पे वगैरह खा लिए, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। और ये हरू भाई जो करवा लें ऐसी जैसी फरमाइश करते हैं बच्चों वाली, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे के खाने हैं, पता नहीं जवान में क्या हो गया, इन्हें मज़ा नहीं लग रही कोई। मज़ा तो थे मगर बहुत कम थे, तो इतने टेस्ट लगे तीन बहुत ज़्यादा। अगर अपने मतलब ये 10-20 खाने होते तो कम से कम 200-300 रुपये खर्च करना पड़ते। एक बात में फ्री में दिया था, बाद में फ्री में दिया था। मुझे ध्यान नहीं रहा, खा के भूल जाता हूँ, भूल गए। गाइस काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे, बहुत सारे लोग बीच से आ रहे हैं, देखो कितनी सारी भीड़ है ट्रैफिक। और ये वेल्डिंग वाला चश्मा हमारे आजिम भाई ने लगा लिया, रात में भी वेल्डिंग करने की सोच रही है, इनका वेल्डिंग का काम है ना, दिखाई दे रहा है, अंधे लग रहा हूँ। जिसके पास वहाँ चुके हैं भाई, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारी भीड़ है, देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर रात में इधर समंदर है, मैं भी आई मेरा समंदर में, तो अगर बोट पे यहाँ लग रहा है गाइस सबसे बड़ा वाला मेला। गाइस कितना खतरनाक समंदर हो रहा है, बस देख ही नहीं रहा है, इतना खतरनाक हो रहा है। आइए ये अरे हर उपाय मत जाओ अंदर, वो रहन दो, अरे बहुत खतरनाक हो रही है, रात हो रही है, जूते काम खराब हो जाएगा। यार हर उपाय जा रहे हैं अंदर यार, मत जाओ छोड़ के, डूबना यार, रुक जाओ। समंदर के पास में खड़े हैं हम, और बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, डरावना मौसम हो रहा है, आगे समंदर है ना, पानी वानी तो मतलब भरत, अगर अकेला होगा तो डर नहीं लगा यहाँ पे, इतना मज़ा है यहाँ पे, इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक भी अंदर चला गया ना किसी को पता चलेगा। ये पानी ऐसा अंदर खींचता है, बहुत ही अंदर खींचता है, बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था, मुझे बाहर फेंक दिया छोड़ने वाले कसम से, वहाँ उधर एर्नाकुलम की तरफ। गाइस तुम्हें दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा होगा, देखो ये पानी है,
आ चुके हैं हम अंदर। यहाँ पे काफी सारी फिश हैं, बहुत ही मतलब बना हुआ। अभी अंदर आया, हम देखते हैं अंदर क्या क्या है। अभी हम पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। लो भाई, सबसे पहले तो ये फिश आ गई, पता नहीं कौन सी कौन सी है। बहुत सारी है। ये कौन सी मछली है भाई? तुम्हारा अंदर मंगूरा निकाल भाई, निकाल लो हाथ डाल के। बड़ा शानदार लग रहा है हरू भाई, बहुत शानदार लग रहा है। ये चिड़ियाघर है, मछलियों का चिड़ियाघर है, पता नहीं कौन सा चिड़ियाघर है। सभी प्रकार की मछलियाँ और पक्षी हैं। ये तो दे पैर का मछला है, मछला कौन सी है ये? नाम वाम बहुत बड़ी है भाई। इधर क्या क्या है? रस्सी है, इसके सारे चलना पड़ा। ऐसे देर चलते चलते बहुत देर हो गई, फंस गए। ये इधर आके खाने का भंडार, कुछ भी खाओ, मजे उड़ाओ। भाई बेचारे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, मगर बस लग थोड़ा खराब चल गया यार। जा रहे हैं भाई हम ऊपर, भाई चल रहा ऊपर, रुक ऊपर दिखा दो। झूला भी तो झूलता है यार, बहुत ऊंचा झूला। भाई ऊपर जा रहे हैं हम, देखो क्या रहता है। हरू भाई बहुत डर लगता है इसी चीज़ों से, मगर फिर भी जा रहे हैं ये ऊपर। डर कितने लगे लेकिन झूलना जरूर, बोला जरूर जा रहा हूं भाई। झूलने पड़ता है ऊपर से, कूदने के लिए पड़ता है। और झूलना बहुत दूर आए हुए हैं। ये नाव जो है कश्ती जो है, तुम्हें पता कौन चला रहा है? अभी दिखाता हूँ आपको, हेमा मालिनी अभी दिखाता हूँ। ड्राइवर बहुत अंदर बैठा ला, ला लो चाची कितना बेहतरीन काम कर रही है। देख लिया चाची ने घर देख लिया, लेकिन फिर भी सही है यार, पूरी सही है, मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है, बहुत बढ़िया। अरे दो साथी इसमें बैठ चुके हैं और हमें अलग फेंक दिया है। ये चश्मा, ये उधर समंदर है सामने, और ये मेला है। ऐसे ही बस चलता हूँ, मेला है जितना भी है, बस एंजॉय करने के लिए। देखो हरू भाई का चेहरा, देखो उतर चुका है, मगर तेज क्यों चला रहे हैं यार। गाइस इस झूले में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल आराम आराम से लेके जा रहे हैं। तेज लेके जाते तो मजा नहीं आता, मतलब डर लगता, कुछ भी नहीं हो रहा, तो पकड़ा भाव भी ना हो बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ से टिकट लिया हमने, इस मेले के अंदर घूमने का भी टिकट है, देख लो मतलब यहाँ क्या चल रहा है, कितनी महंगाई चल रही है। फिर हम उधर से घूम कर वो मछली वगैरह दिखाई मैंने आपको, फिर उधर से घूम के फिर इधर आए। अब ये लास्ट है, इसके बाद में कुछ नहीं है, चलते हैं हम, पता नहीं कहाँ चलेंगे। देखो इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए तो
बराबर में समंदर तो हवा बहुत शानदार है। देखो दो बार मगर गाइस कुछ हो ही नहीं रहा है यार, ये आराम से भाई तेज चला दे इनसे कहने के भी नहीं। गाइस हमें टॉप पे जाकर होगा, अब देखो नीचे से उतारना चालू हो गए लोग। गाइस निकल कर आ चुके हैं इसके अंदर से हम, झूले पे से हो रहा है हमारे पीछे झूला। तो गाइस मेरा चश्मा देखो कितना शानदार है, मुझे बड़ा ही प्यार है अपने चश्मे से इससे। अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा गाइस, ये लग गया मेरे, काला चश्मा बेकार है बिल्कुल, काला चश्मा है ही नहीं सही रात के लिए, दिन के लिए सही है। गाइस काफ़ी ज़्यादा इंजॉय आया मेले के अंदर से, हम आ चुके हैं और हम बीच पे भी सब जगह घूम लिया आपने देखा होगा। तो अब चल रहे हैं हम रूम की तरफ। गाइस ऐसी किसी गलियों में निकल के जाना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गली है, अंधेरी अंधेरी गली है। आओ तो गाइज हमें ऑटो करना पड़ेगा क्योंकि आज त्यौहार था, तो इसी वजह से सभी जितनी भी बसें हैं वो सभी बंद हैं। अभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्या पता कोई बस खुली हुई हो, मतलब जा रही हो चल रही हो तो सही है, नहीं तो फिर ऑटो ही करना पड़ेगा। ऑटो में आराम से बैठ लें, बस थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, 200 रुपये लगेंगे और उसमें हो जाता 20-20 रुपये में काम, कोई बात नहीं। घूमने के लिए इतना खर्चा हुआ तो थोड़ा बहुत और सही, खर्चा बहुत होता है यार इधर उधर निकल जाओ थोड़ा सारा उसमें खर्चा बहुत होता है। कम तो इतनी मेहनत से हैं और उड़ते बहुत जल्दी हैं, ऐसे फ्री में बिल्कुल जैसे बहुत पैसा है।